नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर दक्षिण के वार्ड 70 जो कि गंदगी की मार झेल रही है, किसी भी नगर निगम के अधिकारी का नहीं जाता है कोई ध्यान। हम आपको बता दें, महापौर प्रमिला पांडे जो कि लगातार डुगडुगी बजाकर क्षेत्र में सफाई अभियान को चला रही हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ भारत डिजिटल कानपुर मिशन को पूरी तरीके से पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। वार्ड नंबर 70 में नहीं है कोई पार्षद, लेकिन महापौर प्रमिला पांडे के नेतृत्व में पार्षद के पद आलोक कुमार पांडे को मनोनीत किया गया, लेकिन क्षेत्र की समस्या का समाधान किसी भी रूप में नहीं देखा जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि कई सालों से इसी तरीके जनता गंदगी और कोरोना जैसी भयानक ग्रसित बीमारियां झेल रही है। भाजपा सरकार ने जनता को किसी बड़ी बीमारी को दावत दे रहे कानपुर नगर निगम बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। नगर निगम उद्यान विभाग की बड़ी लापरवाही की मार क्षेत्रीय जनता झेल रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों के कान में आज तक जू नहीं रेंगा। अब देखना यह होगा, क्षेत्र में बने पार्क में बच्चे खेलेंगे या सुअर खेलेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, ये बताइए गौरव जी, आपके क्षेत्र में जो पार्क है, इसके पार्क का क्या नाम है? इस पार्क का नाम सौर ऊर्जा पार्क है। अभी सौर ऊर्जा पार्क है, किस तरीके से पार्क का सुंदरीकरण हुआ है अभी तक की नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तो सुंदरीकरण के नाम पर केवल बाउंड्री रंगाई पुताई कर दी जाती है, फर्जी और कुछ नहीं। और ये गंदगी को लेकर आप क्या कहें, गलियों में इस पार्क में सुअर भी लौटते हैं? हाँ, जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ये हाल है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी, देवेंद्र सिंह भोले जी का क्षेत्र है, सत्ता में होने के बावजूद इन्होंने यहाँ के लोगों को और यहाँ के पार्कों का विकास में कोई ध्यान नहीं दिया। कौन है क्षेत्रीय पार्षद? क्षेत्रीय पार्षद कोई भी नहीं है, और एक लड़का आलोक मिश्रा करके है जिसको मेयर ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया है। तो वो इस तरीके से हालात के पार्कों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये मुझे नहीं लग रहा, देख रहा है। किसी विभाग में आपने इसकी जानकारी दी या कोई ऐसे प्रार्थना पत्र दिया है इसके सुंदरीकरण के लिए? फिलहाल मैंने दिया, बहुत पहले मतलब 2-4 महीने पहले नगर निगम में दिया गया, लेकिन कुछ होता नहीं है। कोई टीम आई, कोई आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए, इसके सौर ऊर्जा प्लांट में, इसके सौर ऊर्जा पार्क में प्लांट लगा हुआ है, कितने सालों से खराब पड़ा हुआ है? ये पिछले 5 सालों से खराब पड़ा है। इससे लगभग 300 घरों में पानी की सप्लाई होती थी, जिससे अब यहाँ का आम आदमी वंचित है। अब वो लोग पानी भरने कहाँ जाते हैं? इससे उससे मांगते हैं, या फिर 300-300 रुपये 400-400 रुपये दे के क्या लगा है उनसे लेते हैं पानी। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आलोक मिश्रा है, मैं वार्ड 70 कर रही से महापौर जी का प्रतिनिधि। अच्छा जी, बताइए सर, गंदगी के लेकर जो पार्क है वो साउथ के लिए दक्षिण में बात करता हूँ, कई पार्कों के हालात बिगड़ता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तक जो प्रतिनिधि रहे हैं या जिन्होंने क्या काम किया, मैं उसकी जानकारी नहीं जानता हूँ। मुझको सिर्फ 6 महीने हुए हैं अभी, आप हमारे वार्ड में काम देख सकते हैं, जितना अधिक से अधिक कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी हटाया गया है। और अब हमारे यहाँ वार्ड 70 कर रही के अंतर्गत 2 मुख्य पार्क हैं जहाँ पे गंदगी समस्या बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों के द्वारा भी जानकारी होती रही, और हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं वहाँ पर, जो आम जनमानस है, उनके द्वारा भी जानकारी हुई है। एक तो सौर ऊर्जा पार्क है और दूसरा शाखा पार्क है। शाखा पार्क के लिए मैंने कल ही वीके सिंह जी, जो उद्यान अधिकारी हैं, उनसे बात की थी। उन्होंने मुझको फाइल भी दिखाई है, फाइल टेंडर के लिए हो चुकी है। जिस दिन टेंडर पड़ जाएगा उसके 5 से 10 दिन में काम हमारा चालू हो जाएगा। और जो सौर ऊर्जा पार्क है, सौर ऊर्जा पार्क में लोगों की शिकायतें हैं, कुछ लोगों ने अपने घर की फीवर लाइन या पाइप लाइन उस पार्क से जोड़ रखी है, जिसकी शिकायत मैं लिखित में नगर निगम के अधिकारियों से कर चुका हूँ, जल्द ही उस पर भी कार्रवाई होगी। सौर ऊर्जा में एक टंकी रखी है, सौर ऊर्जा पार्क के नाम से भारत में टंकी भी रखी है पानी की, वो 5 साल से बीत जाने के बाद भी अभी उसी खराब पड़ी है, उस पर क्या कार्रवाई? मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोगों द्वारा जानकारी हुई है, जल्द से जल्द उसको सही कराने का, ठीक कराने का। पहले तो उसमें पानी के लिए बहुत से लोग उसमें पानी लेते थे, अब वो खराब पड़ी, इतनी भारी मात्रा में लागत लगाई गई थी, अब उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा किसी को? हमने आपको बताया ना पड़ेगा, उसको जानकारी नहीं थी, और जानकारी हुई है, मैं उसको आज ही अभी नगर निगम ही जा रहा हूँ, लिखित में देखो उसको 2 से 3 दिन में कार्रवाई करा। बल्कि उस पार्क में सुअर भी बहुत सारे लेट रहे हैं, जिससे बीमारी फैल रही है, गंदगी फैल रही है क्षेत्र में। हमने आपसे बताया ना, कुछ कर्मचारी थे भ्रष्ट थे, अधिकारी थे भ्रष्ट थे, जिनको हटाया जा चुका है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हुई? कार्रवाई हो चुकी है, उनको हटाया जा चुका है। कुछ विरोध भी झेलना पड़ता है, पब्लिक का विरोध भी सहना पड़ता है।
अच्छा दूसरी बात है कि अब ये जो 27 सफाई चला है, कितनी जगह जगह अभी तो कर रहे हैं सफाई का अभियान चलाया गया? जे ब्लॉक जे सेक्टर में चलाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा गंदगी थी कर रही गाँव में, जहाँ पे नाले की समस्या को लेकर कई बार मुझको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। वहाँ पे मैं भी कई बार गिर चुका हूँ। आम जनमानस तो रोज उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। नालियाँ सफाई होने के बाद भी बटबजा रही हैं, आज भी बटबजा रही हैं। आपकी जानकारी भी बता दूँ, अभी वहाँ कोई गया नहीं, वहाँ पे एक बार दिखवाइए जाके। 8-4 दिन हमारे कर्मचारियों को केवल नालियाँ ढूंढने में लग गई। 5 साल से पिछले 5 साल से वहाँ कोई सफाई नहीं की गई थी। इस समय वहाँ सफाई का कार्य चल रहा है लगातार। क्या ये लगता है कि बाढ़ 70 की जो कर रही की समस्या गुंजन रही समस्या को निस्तारण मिल पाएगा जल्द? बिल्कुल मिलेगा, अगर कोशिश की जाएगी तो मिलेगा। कोशिश की जा रही है और आपको जल्द ही जल्द उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।